हेलो स्टूडेंट, हियर क्वेश्चन इज गिवेन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज ई एंड इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्सिया इज आई, एंगुलर मोमेंटम इज। आई और ई के टर्म में हमें एंगुलर मोमेंटम को बताना है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। देखिए, बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम जो है ये होता है, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इनटू एंगुलर स्पीड ओमेगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी जो है फॉर्मूला, दिस इज इक्वल्स टू हाफ टाइम ऑफ आई इनटू ओमेगा का स्क्वायर होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ टाइम ऑफ आई जो है ये हो गया, अपॉन आई करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए इनटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ऊपर भी आई का मल्टीप्लाई किया हमने, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अब इसको आप लिख सकते हैं 1/2 टाइम ऑफ आई इनटू ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। अच्छा, आई इनटू ओमेगा आपको पता है कि ये एंगुलर मोमेंटम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल स्क्वायर अपॉन आई। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की रोटेशन की, वो E के बराबर है। तो E इज इक्वल्स टू हाफ टाइम ऑफ एल स्क्वायर आई, हमसे पूछा एंगुलर मोमेंटम, तो एल स्क्वायर की वैल्यू जो होगा दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ E इनटू I के बराबर हो जाएगा। तो L की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम ऑफ E इनटू I। तो ये आपके पास वैल्यू आया किसका, एंगुलर मोमेंटम का, मतलब एंगुलर मोमेंटम हमारा जो है दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम ऑफ ई इंटू आई। यहाँ पे ई काइनेटिक एनर्जी है और आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया है बॉडी का। अब देखिए ऑप्शन सी जो गिवेन है हमें इस क्वेश्चन में, वो दिया गया अंडर रूट 2 टाइम ऑफ ई इंटू आई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट है।